विपक्षी पार्टियों ने तैयार किया महागठबंधन का प्लान। विपक्षी पार्टी करना चाहते हैं केंद्र से भाजपा को बाय बाय। विपक्षी पार्टी बनाएगा इस बार बड़ा रणनीति। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकाश त्रिवेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। विपक्षी पार्टियों की महागठबंधन की बैठकें चल रही हैं। बेंगलुरु में बैठक हुई। बेंगलुरु की बैठक में तमाम मुद्दे तय किए गए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा एक ही था कि भाजपा को केंद्र से हटा दिया जाए, क्योंकि भाजपा सरकार घोटाले और तमाम अन्याय कर रही है, ऐसा विपक्षियों का कहना है। लेकिन इस बीच में बैठक में ममता बनर्जी ने अपनी गठबंधन की पार्टी का एक नाम सुझाया, जिस नाम सुनकर नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार का कहना है कि यह नाम नहीं हो सकता। दर्शकों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का नाम इंडिया रखा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। वहीं तमाम नेताओं का भी पक्ष रहा है कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इंडिया नाम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारत का नाम इंडिया रखा था, हमारा पार्टी का नाम भारत होना चाहिए। वहीं तमाम नेताओं का यह भी कहना है कि इंडिया के नाम में एनडीए भी आता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी का कुछ प्लान कर रहे हैं, इससे उनसे मिलता जुलता नाम क्यों रखना चाहिए। इस बीच महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल पूछ लिया, जिससे ममता बनर्जी की चुप्पी ही सध गई। दर्शकों, आपको बता दें कांग्रेस की नेता महिला जो है नेता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने जो है ममता बनर्जी से सवाल कर दिया कि हमारे नेता कांग्रेस जो है राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये नाम नहीं होना चाहिए, जिससे ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर इस नाम से आप लोगों को दिक्कत क्या है। तो तमाम बड़े बड़े नेताओं ने जो कुछ बयान दिए, जो कहा, जो ट्वीट किए, वो सब आप सुनिए और देखिए जरा कि क्या क्या नेताओं ने कहा। विपक्षी पार्टियों की चल रही बैठक में ममता बनर्जी ने गठबंधन की पार्टी का नाम जो है इंडिया रखा, जिस पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत नहीं थे क्योंकि इंडिया में एनडीए लेटर भी आते हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी की मीटिंग के दौरान बताया है कि इंडिया नाम क्यों रखा जाना चाहिए। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया में जीतेगा भारत को अपनी टैगलाइन बनाया। इसी टैगलाइन का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। न्यूज एजेंसियां पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विपक्षी दलों की मीटिंग के दौरान कई नेताओं के महसूस किया था कि गठबंधन के नाम में भारत ही होना चाहिए, इसके बाद इसे टैगलाइन में शामिल किया गया। आपको बता दें असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने अपने ट्वीट पर लोगों को बताया कि इंडिया नाम हटाकर भारत रख लिया गया है। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि भाजपा इंडिया नाम पर बेवजह विवाद पैदा कर रही है। भाजपा ने खुद मेक इन इंडिया और साइनिंग इंडिया जैसी स्कीम निकाली है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अब इलेक्शन इंडिया बनाम इंडिया होंगे और इसमें इंडिया की जीत होगी, सीट शेयरिंग पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला कि सोमवार को हुई औपचारिक मीटिंग में गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा गया। सभी विपक्षी नेताओं ने इसका सुझाव मांगे। नीतीश कुमार शुरुआत में इसे नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन सभी की सहमति के बाद उन्हें भी इंडिया नाम स्वीकार कर लिया। मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने नहीं शामिल हुए थे। एजेंसी के मुताबिक मौसम खराब की प्रिडिक्शन हुए थे, ऐसे में जो है चलते नीतीश कुमार जल्द चले गए क्योंकि उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। हालांकि उनकी नाराजगी भी आखिरकार सामने आ रही थी। विपक्षी दलों का गठबंधन नाम इंडिया में की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएशन अलायंस का नाम रखा गया। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने कहा कि समन्वयन के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और दिल्ली में एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। उनकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक होगी। वहीं खड़गे ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियां ईडी सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया है। हमारे बीच राजनीतिक भेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। इससे पहले हमने पटना में मिले थे जहां 16 पार्टियां मौजूद थीं। आज बैठक में 26 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। तो देखा आपने, दर्शकों, देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बार जो है विपक्ष पार्टी कितना बड़ा प्लान कर रही है मोदी सरकार को केंद्र से हटाने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए पूरी पार्टी तैयार नजर आ रही है। पूरी पार्टी ने बड़े बड़े गठबंधन कर लिए हैं, बड़ी बड़ी रणनीतियां बना ली हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मोदी का भी इस बार में कहना है, मोदी का कहना है कि इतना ही दम है तो जो है गठबंधन करने के बाद भी मुझे टक्कर दे दे तो मैं मानूं। वहीं अब जो है खड़गे साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार पे जो है अगर लोड नहीं है तो वह एनडीए क्यों ले रहे हैं।
ये सबके बीच रणनीतियों के बीच में जो है सियासत बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी सत्ताधारी पार्टी बनती है, 24 के चुनाव में कौन सी पार्टी उभर कर सामने आती है और कौन सी पार्टी भाजपा पर अपनी सीट पक्की कर पाती है। इन सब में आपकी अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।